नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन एक बार फिर आज हाजिर हूं आपके सामने लेकर के त्योहार की दूसरी कड़ी। पिछले वीडियो में हमने त्योहारों के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए त्योहारों की जो श्रृंखला है उसमें हम दूसरी कड़ी को पेश करेंगे, दूसरी कड़ी को पढ़ेंगे। पिछली कड़ी में हमने त्योहारों के बारे में जो बेसिक जानकारियां थी जिनके द्वारा हम त्योहारों को रटे नहीं, त्योहारों को समझे और त्योहारों को याद करने में हमको आसानी हो सके, क्योंकि त्योहार का संबंध भारत की मिट्टी से है, भारत की रग रग से है और हम इसको रट करके याद नहीं कर सकते, हम इसको समझ करके याद कर सकते हैं। रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार समझ में इसका कंसेप्ट आ गया कि त्योहार किस तरह से मनाए जाते हैं, त्योहार को मनाने के पीछे क्या लॉजिक है, इसकी बेसिक जानकारी क्या है, तो आप बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे और उसको जीवन भर याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आज फिर आप सभी का नवभारत स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं और चलते हैं त्योहारों की इस श्रृंखला में। और आज शुरुआत करते हैं कि जो माँ है, हिंदी जो माँ है, हिंदी जो मंथ है और हिंदी मंथ और इंग्लिश जो मंथ है उनके साथ क्या रिलेशन है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दिवाली कौन से माह में आती है, होली कौन से माह में आती है, हम बता देंगे, लेकिन कौन से महीने में आती है। ठीक है, तो जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। ये सेवंथ मंथ आपके सामने लिखे हैं। यहां जो हम शुरू कर रहे हैं चैत्र महीना, जो अंग्रेजी महीने के कौन से महीने के समकक्ष आता है, तो वो है मार्च अप्रैल। लगभग आधे मार्च के आसपास, 10-15 मार्च के आसपास होली का त्योहार मनाया जाता है। कभी 10 मार्च के आसपास, कभी 15 मार्च के आसपास, कभी 20 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो मार्च का जो महीना है और अप्रैल का जो महीना है, लगभग आधा मार्च और आधा अप्रैल किस में आता है, चैत्र। इसी प्रकार से अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए, अक्टूबर और नवंबर, कोई भी त्योहार, जैसे मान लो आप दिवाली की हम बात करें तो दिवाली या तो अक्टूबर में हो सकती है या नवंबर। अगर 2019 की बात करें तो दिवाली अक्टूबर में थी, लेकिन 2020 की बात करें तो दिवाली नवंबर में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंदी मंथ में तिथियां घटती और बढ़ती रहती है।
ठीक है। और यहां तक कि हिंदी महीनों में तिथियां ही नहीं, महीने भी घटते और बढ़ते रहते हैं। इंग्लिश मंथ में पूरे 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन हिंदी मंथ में 13 महीने होते हैं, ठीक है। एक अधिक मास का भी प्रचलन है, एक अधिक मास भी होता है, ठीक है। जैसे यहां पर लीप ईयर होता है, वहां पर एक दिन बढ़ता है फरवरी के अंदर, वैसे यहां पर अधिक मास एक माह बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। फिर चल रहे आगे, तो कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, पौष, माघ, और 12 मंथ है फाल्गुन। अब यहां पर अक्टूबर नवंबर था, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी और फरवरी, और फरवरी और मार्च। तो ये पूरे 12 मंथ हमने पढ़े, और 12 मंथ जो कि हिंदी में थे, हिंदी महीने थे, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार इंग्लिश मंथ से लिंक करके पूछ लेता है कि होली का जो त्योहार है, वह त्योहार है वह अंग्रेजी के किस महीने में मनाया जाता है, या फिर हिंदी मंथ की कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो त्योहार का क्वेश्चन जो बनता है माह या महीने दोनों से लिंक करके बना दिया जाता है, इसलिए जानना जरूरी था कि कौन सा हिंदी महीना अंग्रेजी के कौन से महीने के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको फाल्गुन, फरवरी, मार्च, मार्च, जनवरी, फरवरी, पूरी एक टेबल आपको बना करके हमने बताई, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से पुटअप किया जा सकता है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है, क्वेश्चन कहीं से किसी भी तरह से पूछा जाए, बस वो यहां से सॉल्व आउट होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं त्योहारों की ओर। देखिए कुछ और जानकारियां, तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, कि तीज त्योहार की जो त्योहारों की जो शुरुआत है, त्योहार की शुरुआत, जैसे नया वर्ष शुरू होता है अंग्रेजी महीने में जनवरी से, कॉमर्शियल मंथ जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से, ठीक है, कृषि जो वर्ष शुरू होता है वो 1 जुलाई से, इसी प्रकार से त्योहारों का जो सर्कुलेशन शुरू होता है वो शुरू होता है तीज से, त्योहारों का जो सर्कुलेशन शुरू होता है वो शुरू होता है तीज से, तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, और खत्म जो होता है त्योहारों का समापन बोला जाता है, कि लगभग गणगौर के बाद त्योहार समाप्त से हो जाते हैं, गिने चुने त्योहार देखने को मिलते हैं गणगौर के बाद, गणगौर तक त्योहार समाप्त। तो बात करते हैं कि शुरुआत, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है, तो त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है, तीज त्योहार बावड़ी, ठीक है। और त्योहार
कौन से त्योहार पे खत्म माने जाते हैं, समाप्त माने जाते हैं कि इस त्योहार पे त्योहार पूरे हो गए, तो वो है गणगौर। तो इस त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो त्योहारों का समापन गणगौर पे और त्योहारों की शुरुआत तीज पे। यहां से क्वेश्चन पहले पुटअप हुआ हुआ है। आगे चलते हैं, नव वर्ष की शुरुआत। नव वर्ष की शुरुआत की अगर हम बात करें तो नव वर्ष की शुरुआत देखिए, हमने पढ़ा था कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, ये प्रथम पक्ष है और ये प्रथम पक्ष की पहली तिथि है। प्रथम पक्ष की पहली तिथि है, ठीक है, और माह कौन सा है, चैत्र। माह कौन सा है, चैत्र। चैत्र माह है, कृष्ण पक्ष पहली तिथि प्रतिपदा, इसको नए साल की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन इसको नए साल की शुरुआत नहीं मानी जाती। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नववर्ष, हिंदी नववर्ष मनाया जाता है, तो देखिए हमारे हिंदू वर्ष में शकुन अपशकुन का भी बहुत महत्व है, ठीक है। कोई भी काम जो किया जाता है वह उजियारी रात से उजियारी रात कहे या शुक्ल पक्ष कहे शुक्ल पक्ष कहे या बढ़ता हुआ चंद्रमा, या बढ़ता हुआ चंद्रमा से कहे, क्योंकि चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र में उसको मन का कारक माना गया है, मन का महत्व दिया गया है चंद्रमा को, ठीक है। और हम जो कुछ भी करते हैं वो मन के अनुसार करते हैं, मन पे टिका, सब कुछ मन पे टिका हुआ है। इसलिए हम बात करते हैं कि नववर्ष की शुरुआत कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा से न करके शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि, शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है जिसे हम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि जिसे हम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, जिस दिन चेटी चंड पर्व भी मनाया जाता है। सिंधियों का त्योहार है चेटी चंड पर्व, ठीक है। इसी दिन नवरात्रि का प्रथम दिन भी मनाया जाता है, उसी दिन नववर्ष की शुरुआत की जाती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि नववर्ष की शुरुआत कब करते हैं, तो नववर्ष की शुरुआत उजियारी रात से होती है, द्वितीय पक्ष से होती है, शुक्ल पक्ष से होती है जिसमें चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा जिसे हम पड़वा भी कहते हैं, जिस दिन चेटीचंड पर्व भी मनाया जाता है और उस दिन नवरात्रि का प्रथम दिन भी मनाया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, वैसे तो नवरात्रि साल में चार बार मनाए जाते हैं लेकिन दो नवरात्रि मुख्य है, शारदीय नवरात्रि और बसंती नवरात्रि। दो नवरात्रि गुप्त होते हैं और दो उजले होते हैं, ठीक है। शारदीय नवरात्रि
दिवाली से पहले श्राद्ध के बाद आते हैं, और ये जो नवरात्रे हैं ये है बसंती नवरात्रे। बसंत ऋतु शुरू मानी जाती है तो इन्हें कहते हैं बसंती नवरात्रे, बसंती नवरात्रे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि हिंदी महीनों के अनुसार या हिंदी नववर्ष की शुरुआत किस दिन की जाती है। तो हिंदी नववर्ष की शुरुआत आपको पता होना चाहिए कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि का प्रथम दिन, जिस दिन चेटीचंड पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है, सिंधी समाज का पर्व है, और इस दिन बसंती नवरात्रि का शुरुआत भी होती है, उसी दिन हम क्या मनाते हैं, नववर्ष की शुरुआत या हिंदू नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो ये तो थी शुरुआत, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दोनों तिथियां दी जाती है। हर महीना शुरू होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, लेकिन नववर्ष शुरू चैत्र कृष्ण प्रति हर महीना शुरू होता है प्रतिपदा से सॉरी चैत्र बोल गया मैं हर महीना शुरू होता है प्रतिपदा से, लेकिन चैत्र का महीना भी शुरू प्रतिपदा से होगा, लेकिन नववर्ष की शुरुआत किससे होगी, शुक्ल पक्ष से होगी। क्लियर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चैत्र का महीना शुरू होता है तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, लेकिन नववर्ष की शुरुआत होती है तो वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब बात करते हैं एक एक महीने की। तो वैसे तो तीज के महीने से त्योहार शुरू होते हैं, लेकिन हम महीनों के हिसाब से महीने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्र के महीने की। और ये जो चैत्र का जो महीना है, आपको मैंने बताया कि इसमें दो पक्ष होते हैं, इसे कहेंगे कृष्ण पक्ष, इसे कहेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है, चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब बात करते हैं कि चैत्र के महीने में जो सबसे पहला जो कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तारीख, पहली तारीख प्रतिपदा, उस दिन क्या होती है, उस दिन होती है धुलंडी। होली कब मनाई जाती है, तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, ठीक है, उसको होली मनाई जाती है। और होली के जस्ट दूसरे दिन तो पूर्णिमा निकल गई, फाल्गुन का महीना निकल गया, फाल्गुन शायद मैं चैत्र बोल गया सॉरी फाल्गुन के महीने का जो पूर्णिमा है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा जो है उसको होली मनाई, और उस होली के जस्ट दूसरे दिन चैत्र के महीना की शुरुआत हो गई। और चैत्र के महीने की शुरुआत हो गई तो पहली तिथि प्रतिपदा पड़ी, प्रतिपदा को हमने क्या मनाया, प्रतिपदा को हमने धुरंडी मनाई। ठीक है, बात करते हैं दूसरी और आगे बढ़ते हैं पांचवी तिथि। तो इस दिन मनाते हैं रंग पंचमी, क्योंकि अभी तो रंगों का टाइम चल रहा है तो रंग पंचमी मनेगी। फिर आगे चलते हैं तो आगे आती है अष्टमी। ठीक है, अगर अष्टमी की बात करें तो अष्टमी है शीतला अष्टमी। और बच्चों, शीतला अष्टमी को शीतल व्यंजनों का भोग लगता है शीतला माता के, और ऐसे कहते हैं कि उस दिन के बाद से भोजन बूसना खराब होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको बासुला भी कहते हैं, कि इस दिन हम ठंडा खाना खाते हैं तो बासुला भी कहते हैं।
और शीतला माता का जो मेला भरता है वो लगता है चाकसू में, ठीक है, शीर की डूंगरी चाकसू में। तो बात की हमने कि चैत्र के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो सबसे पहला त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, उस दिन धुलंडी, पांचवी तिथि को रंग पंचमी मना ली हमने, और अष्टमी को हमने शीतला अष्टमी मनाई, ठीक है, और शीतला अष्टमी है वो है बाशुरा। बात करते हैं कि घुड़ला त्योहार, यहां पर एक त्योहार और मनाया जाता है और वो है घुड़ला त्योहार। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घुड़ला त्योहार क्या है, घुड़ला त्योहार कहां मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, घुड़ला त्योहार का संबंध किस माह से है, घुड़ला संबंध का त्योहार किस तिथि से किस दिन से है। तो देखो, छोटी छोटी बालिकाएं सर पे एक घड़ा रख करके घुड़लो घूमियो जी घूमियो ऐसे गाते हुए घर घर जाती है, और घर के जो महिलाएं होती है, घर के जो बच्चे होते हैं, वो उसके जो घड़ा होता है उसमें 1-2 रुपए 5 रुपए जो भी होते हैं वो डाल देते हैं, और बच्चियां उसको एंड खेल खेल भी खेलती है। ऐसे कहते हैं कि एक बार एक मुस्लिम आक्रांता थे, और उस मुस्लिम आक्रांता ने गणगौर पूजती हुई, क्योंकि गणगौर का जो त्योहार है वो 16 दिन तक मनाया जाता है, यहां हमने होली जलाई और धुलंडी खेली, ठीक है, उस दिन से गणगौर पूजना शुरू हो जाता है, और गणगौर जो पूजना 16 दिन की जो गणगौर पूजते हैं, तो गणगौर पूजते हुए ऐसे कहते हैं कि वो जो बालिकाएं थी वो गणगौर पूज रही थी, घुड़ला खान नाम का महलू खान नाम के दो मुस्लिम आक्रांता थे, और उन्होंने जोधपुर की कुछ बालिकाओं को कुछ कन्याओं को उठाकर उनका अपहरण कर लिया। तो जोधपुर के जो सातल देव थे, सातल देव ने उनको ललकारा, गए और युद्ध के मैदान में उनका शीश काट करके घुड़ला खां की गर्दन काट के ला करके उन बालिकाओं को तो उनके चंगुल से मुक्त करवाया ही करवाया, अपितु उसकी गर्दन को भी ला करके पूरे जोधपुर में महिलाओं की सौंप दिए गए, और महिलाओं ने ऐसे कहते हैं कि पांव की जो ठोकर होती है उस ठोकर से पूरे जोधपुर में उसको घुमाया, ताकि फिर दूसरा कोई मुस्लिम आक्रांता ऐसा कदम न उठा सके। तो ऐसे थे वीर सातल देव, ठीक है, और ये थी जोधपुर की घुड़ला त्योहार की कहानी, और इसी की याद में आज भी घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये घुड़ला त्योहार भी यहां शुरुआत होती है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हमने बात की कृष्ण पक्ष की, अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष जो है अगर उसकी बात करें तो शुक्ल पक्ष में आपको मैंने बताया कि पहली तिथि जो है, पहली तिथि से 9 वर्ष शुरू होता है, पहली तिथि से 9 वर्ष शुरू होता है, पहली तिथि को ही चेटी चंड पर्व मनाया जाता है, जो कि सिंधी समाज का पर्व। मैंने पहले कहा था कि भारत जो है एक धर्म का देश नहीं है, अने यहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो चेटी चंड पर्व मनाया जाता है। इस ही एक प्रतिपदा की जो पहली तिथि है इसी को बसंतीय नवरात्रि, बसंतीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, इसी प्रथम तिथि से बसंतीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमने बात की, अच्छा इस बसंतीय नवरात्रि की खास बात और भी है कि इस दिन गरुड़ पक्षी का दर्शन वो शुभ माना जाता है
इन बसंती नवरात्रों में। अगर उसे गरुड़ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं ऐसे कहता है कि शुभ माना जाता है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि शकुन और अपशकुन को भी राजस्थान लेकर भी चलता है। तो बसंती नवरात्रि के बारे में बात की हमने, अभी केवल पहली तिथि के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं तिथि नंबर दो। तो तिथि नंबर दो है उसको महिलाएं सज धजगर के तैयार होती है और उस दिन सिंजारा मनाया जाता है। तिथि नंबर जो दो है, तिथि नंबर दो को गणगौर का सिंजारा मनाया जाता है। महिलाएं और बालिकाएं जो होती है वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। ठीक है, कुंवारी जो कन्याएं होती है जिनकी शादी सगाई वगैरह हो जाती है उनका सिंजारा होता है। सिंजारे में बालिका जो है उसके ससुराल वर्ग से कुछ मिठाइयां वगैरह आती है, कुछ वस्त्र वगैरह आते हैं और गोद भराई की रस्में वगैरह होती है। तो ये सिंजारा त्योहार मनाया जाता है। सिंजारा ध्यान रखना, दो सिंजारे बनाए जाते हैं, एक होता है तीज का सिंजारा, एक होता है गणगौर का सिंजारा। तीज का सिंजारा आपके सावन में आएगा, छोटी तीज जिसे हम कहते हैं, और गणगौर का सिंजारा यहां पर गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नंबर तीन। नंबर तीन की बात करें तो इस दिन मनाई जाती है गणगौर। इसमें देखो दो चीजें, गण और गौर। गण का मतलब है शिव, गण का मतलब है शिव और गौर का मतलब है पार्वती। तो गणगौर जो त्योहार मनाया जाता है, गणगौर त्योहार शिव और पार्वती के जो प्रेम को दर्शाता है, शिव और पार्वती का जो गहन प्रेम है, अकाट्य प्रेम है, उस अकाट्य प्रेम का प्रतीक है गणगौर, अखंड प्रेम का प्रतीक है। और इसीलिए क्या मनाते हैं, इसीलिए हम गणगौर मनाते हैं। आगे चले तो ये जो गणगौर है, इस गणगौर में कुछ और भी कुछ बातें जुड़ी हुई है। तिथि नंबर चार। अच्छा, इस गणगौर को चूंदड़ी गणगौर भी कहते हैं। इस गणगौर को चूंदड़ी गणगौर, अब आप सोच रहे होंगे कि सर चूंदड़ी गणगौर कहां कहते हैं, तो नाथ द्वारा में इस गणगौर को चूंदड़ी गणगौर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नाथ द्वारा में जो फेमस मंदिर है आप सभी को पता होगा, उस दिन चूंदड़ी से उनका श्रृंगार किया जाता है या चूंदड़ी पहनाई जाती है। ठीक है, तो उनको कहते हैं चूंदड़ी गणगौर। दूसरी बात करें कि इसको यहां लिख देता हूं मैं, नाथ द्वारा में अब इसके बाद बात करते हैं हरि गणगौर। चार तारीख को जो है वो हरि गणगौर मनाई जाती है। पांच तारीख जो है, पांच तारीख को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। पांच तारीख मतलब पंचमी तिथि को। तीन हो गई चूंदड़ी गणगौर, चार हो गई हरि गणगौर, पांचवी हो गई गुलाबी गणगौर और छठी जो है वो है केसरिया गणगौर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं तो गणगौर जो है, गणगौर तो एक ही है लेकिन कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा कर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता है जहां तक विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते। तो गणगौर शिव पार्वती का जो गहन प्रेम है उसको दर्शाता है। उस दिन नाथद्वारा में जो है चुंदड़ी से अभिषेक, चुंदड़ी से उनको सजाया जाता है भगवान को, तो इसलिए चुंदड़ी गणगौर के रूप में इसको जाना जाता है। हरे वस्त्रों से सजाया जाता है तो हरि गणगौर, गुलाबी वस्त्रों से सजाया जाता है तो गुलाबी गणगौर और केसरिया वस्त्रों से सजाया जाता है तो केसरिया गणगौर उस दिन मनाई जाती है। आगे बात करें तीन, एक दो तीन चार पांच छह, छह दिन कंटिन्यू हो गए। अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। सातवें दिन कोई त्योहार नहीं है
लेकिन आठवें दिन फिर त्योहार है और आठवें दिन जो है वो है अशोकाष्टमी। आठवें दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है अशोकाष्टमी, और इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कई बार कि अशोक के वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो ध्यान रखना अशोक के वृक्ष की पूजा अशोकाष्टमी तिथि को की जाती है, इसलिए इसको अशोकाष्टमी के नाम से जान ले। बात करते हैं तिथि नंबर 9, तो भगवान राम का जन्म हुआ था इसलिए इसको राम नवमी कहते हैं। 9 के बाद 13 और इसके बाद 15। देखिए महावीर जयंती और हनुमान जयंती, मैं इसको जयंती कहना उचित नहीं समझूंगा, मैं इसको हनुमान जन्मोत्सव पर्व के रूप में कहूंगा। देखिए राम जी और हनुमान जी का संयोग है, जहां राम जी मिलेंगे वहां हनुमान जी जरूर मिलेंगे, ठीक है। शुक्ल पक्ष में राम जी हुए, शुक्ल पक्ष में ही हनुमान जी हुए। नवमी तिथि को राम जी जन्मे और पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी जन्मे हैं। बीच में महावीर जयंती, महावीर हनुमान जी को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैन धर्म से जुड़े हुए हैं महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का जन्मदिन मनाया जाता है महावीर जयंती के रूप में, तो ये जैन धर्म जुड़ा हुआ है महावीर जयंती, और ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। और हनुमान जन्मोत्सव इसको भी महावीर जयंती कहते हैं, हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना करें। ध्यान रखना जैन धर्म जुड़ा हुआ है, ज्यादातर इसी को पूछते हैं, तो महावीर जयंती और हनुमान जयंती के रूप में हनुमान जन्मोत्सव जो कहा जाता है वो कहा जाता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। तो हमने बात की चैत्र के महीने की, बात की हमने चैत्र के महीने को विस्तार से पढ़ा, हमने जाना कि हिंदी महीने हैं, उन हिंदी महीनों का इंग्लिश महीनों के साथ क्या कनेक्शन है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि नव वर्ष की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम बाकी जो और महीने हैं, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ जो भी है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मांगसी मार्गशीर्ष है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने केवल एक चैत्र माह की बात की है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।